मोदी 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 क्योंकि हम लोग खाना पीना बच्चों को स्कूल में फ्री में, अभी हम ऑपरेशन कराए 5 लाख रुपया का हुआ आयुष्मान से, अखिलेश ने आज तक क्या दिया आपको? 5 साल बाप रहे, 5 साल ये रहे, क्या दिए हम लोग को? कुछ दिए नहीं, जो भी लेपटॉप हुआ बांटे सब उन्हीं लोग का। हालांकि हम मेरी भी यादव हूँ। अच्छा यादव जी, हाँ ये दुकान मेरी भी है। दुकान आपका है, लेकिन मैं उनको नहीं पसंद करता। भाजपा ने कर देखा है, जो कहा उसने किया। राम मंदिर बोला कि राम मंदिर हम बनाएंगे, बनाया उन्होंने। भगुआ पर प्रहार इसलिए कर रहे हैं कि भगुआ को सफलता मिली है, और जिसकी जिसको सफलता मिलती है उसको असफलता वाले पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि जिसमें अच्छाई है तो उसकी बुराई करने वाले भी तो रहेंगे, लेकिन बुराइयों की करने वालों की कमी रहती है, और अच्छाई वाला काम कहते हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। मेरा नाम सर्वेश त्रिपाठी है, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। माहौल जो है तरह तरह का है, लेकिन सबसे अच्छा जो है भाजपा सरकार है, और योगी जी का ही जो है राज होना चाहिए, और हो तो अच्छा है। क्या लग रहा है, योगी जी का सरकार बन जाएगा कि 10 मार्च को अखिलेश आएंगे? अब ये निश्चित तो नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि बन जाएगा, हमें उम्मीद है कि बन जाएगा। चुनाव होने वाला है, क्यों लग रहा है कि योगी, अच्छा योगी का क्यों बनना चाहिए? क्योंकि काम तो अच्छा हुआ है, उनकी सरकार में काम तो अच्छा ही हुआ है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों काम अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे समझ से तो उनकी सरकार बननी चाहिए। जो काम अच्छा हुआ है उसे तो नकार नहीं सकते, इसलिए उनकी सरकार बननी चाहिए। हाँ बोले, क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? किसका माहौल है, चुनाव होने में मतलब यहाँ कुछ ही समय बाकी है, क्या माहौल है इस बारे में? माहौल तो ठीक है, और माहौल की भाई आप जान ही रहे कि माहौल तो भाई जहाँ इलेक्शन होती है वह माहौल बन जाता है, लेकिन आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के बारे में या किसी अखिलेश जी के बारे में? देखिए, अगर आपने मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं तो मोदी जी हमारे एक बात बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जरूर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी के मैं दो बात मैं ज़रूर कहूँगा योगी जी को, और तो मैं काम के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो गंगा के लिए जो किए हैं वो बहुत ही अच्छा किए हैं, ये मैं मुद्दा बात करता हूँ। जो गंगा में जो प्रदूषण फैली थी, गंगा के घाटों पर प्रदूषण रहती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वाकई में जो गंगा के पानी भी जल भी अब काला जो पानी है, ये कानपुर की जो पानी चमड़ा को छोड़ते हैं उस पर वो रोक दे, ये समझे गंगा एकदम निर्मल धारा उनकी है। लेकिन मैं गंगा के बारे में जो भी आदमी बोलता है, बहुत कुछ लोग किए, मोदी जी ने बनारस के लिए पैसा काफ़ी दिए हैं, इतना पैसा दिए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो नीचे के हैं वो लोग अपना सेवा समाप्त कर लिए हैं। मोदी जी को इसलिए लोग अपना अन्न बंद करने के बाद मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मोदी जी जो कार्य किए काशी जी में, वाकई में गंगा के बारे में, गंगा घाटों के बारे में अगर कोई बोलता है तो मोदी जी वाकई में गंगा के लिए सफाई, घाटों की दोनों टाइम सफाई, ये तो मानना पड़ेगा। और बाकी माई जो गंगा हमारे जो काशी की धरोहर का गंगा है, बाबा विश्वनाथ अपने सिर पर, बाबा विश्वनाथ स्वयं गंगा को अपने सिर पर बैठाए हुए हैं, जब उनकी धारा अगर आज हमारी नरक से उपस्थित तो बढ़िया हो चुकी है, इससे बड़ा क्या चाहिए। काशी में भाई बहुत बढ़िया, मैं मोदी जी के योगी जी को मैं ये कहूँगा, बाकी और कोई काम के लिए मैं नहीं उनको बता सकता, लेकिन इनका दो काम बनारस के लिए बहुत बढ़िया गंगा के बारे में। हाँ मनीष जी, कहाँ हैं आप? आ रहे, रुक जाओ। हाँ 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 जी बोले, हाँ बोले भैया। अभी जो चुनाव होने वाला है कुछ समय बाकी है, किसका माहौल आप लोग को लग रहा है? देखिए, वैसे बनारस में कहा जाए तो बनारस में ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है, और यहाँ पर जब माहौल की बात कही जाए तो वास्तविक में जो बीजेपी के शासनकाल में बनारस में काम हुआ है, अन्य पार्टियों में काम नहीं हुआ है। लेकिन अब ये है कि बीजेपी के कारण अब दूसरी पार्टियाँ भी यदि सत्ता में आएंगी तो वो इनसे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसमें दो राय की बात नहीं है। बताएं और क्या पूछना चाह रहे हो? अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, कितना अंतर है दोनों में, कौन ज़्यादा सही है? इसमें यदि यूं कहा जाए तो अखिलेश जी के शासनकाल में
प्रायः हम लोग विद्युत विभाग को देखते थे, बिजलियाँ नहीं रहती थी। और प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रशासनिक तौर पर कड़क योगी जी का है वो अखिलेश जी का नहीं रहता था, दबंगों का जो है बोलबाला था, आज दबंगों का बोलबाला नहीं है, ये अंतर है। रही बात कि उन्हें भी विकास किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया विकास, उन्होंने ही योजनाओं की शिला रखी है और शिला रखने पर उस पर अमल कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन मार्ग प्रशस्त करने वाले वही रहे। जहाँ जहाँ उन्होंने जो शिलान्यास किया उसको मार्ग प्रशस्त जो है ये बीजेपी ने किया। जैसे कि अब एक पुल देख लीजिए गंगा जी का, रामनगर वाला, यह योग बीजेपी माने बसपा सपा दोनों ने मिलकर के जो है किया, अधर में लटका करके ठंडे बैठ गए, लेकिन उस काम को योगी जी ने योग करके जोड़ दिया। आज जोड़ दिया तो वो बहुत सफलताएँ मिल रही है लोगों को रामनगर जाने में, अन्य अन्य जगह जाने में। ठीक, और बताएँ। विपक्ष जो बोले कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देखिए महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देखिए महंगाई तो कभी भी बढ़ेगी, अब ऐसा जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि महंगाई इसलिए बढ़ी है कि आप बताइए, आप आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति को राशन मिल रहा है तो वो राशन कहाँ से देंगे? क्या मोदी जी अपने घर से देंगे? मोदी जी अपने घर से नहीं ना देंगे, क्योंकि आपका ही बड़े लोगों से लेकर के छोटे लोगों में वितरण किया जाता है, तो महंगाई तो आएगी। जब ऊपर महंगाई आएगी तो आम पब्लिक पर महंगाई आना ही है। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे डिंपल यादव हो, भगवा पर जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, इसको कैसे देखती है बनारस की जनता? हाँ, ये यदि कहा जाए तो भगवा पर प्रहार इसलिए कर रहे हैं कि भगवा को सफलता मिली है, जिसको सफलता मिलती है उसको असफलता वाले पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि जिसमें अच्छाई है तो उसकी बुराई करने वाले भी तो रहेंगे, लेकिन बुराइयों की करने वालों की कमी रहती है और अच्छाई वाला काम कहते हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो स्थिति है, आप समझ लीजिए। ठीक, अब बताइए सर, क्या माहौल आपको लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी का लग रहा है। जी लग रहा है योगी जी आ जाएंगे 10 मार्च को? जरूर आ जाएंगे। अखिलेश भैया, देखिए योगी जी ने जमीनी स्तर से काम किया है, जमीनी स्तर उन्होंने लिया है, और जो भी सरकार रही पिछले बार जो है अपने परिवारवाद को लेकर के उन्होंने चला, जो भी देखिए लाइट की बात अगर हम करें, बिजली यहीं लाइट, तो लाइट जो है बनारस में जो है नहीं रहा करती थी, जब से मोदी जी आए तब से बनारस में लाइट रहने लगी। पहले यहीं लाइट जो है रात में कट जाए तो लोग बहुत परेशान होकर के घाट के किनारे या इधर उधर घूमना शुरू कर देते थे, जब से बनारस में मोदी जी जीते तब से बनारस में लाइट रहने लगी। रोड की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा रहती थी, घाटों में सफाई नहीं रहा करता था। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में रोड जो है सही स्थिति में नहीं रही, लेकिन जो जब से योगी जी आए, आप चाहे इलाहाबाद चले जाइए, चाहे आप जो है क्या कहते हैं कहीं भी आप चले जाइए, चाहे जौनपुर चले जाइए, रोड की स्थिति देख लीजिए, नंबर एक की रोड हो गई उत्तर प्रदेश की। बढ़िया काम कर रहे हैं। अब महंगाई बेरोजगारी तो आप देखेंगे तो फिर देखिए क्या है कि अगर जब हर काम होंगे, और देखिए बनारस में कॉरिडोर ही बन गया, उसमें जिसमें केवल के एक, ये तो पूरे अगर इंटरनेशनल में देखा जाए तो पूरे इंटरनेशनल का ही दबदबा रहेगा। अब बनारस में देखा जाए तो यहाँ जो कॉरिडोर बना है उसमें पब्लिक दर्शन करने आएगी, उससे भी लोगों का रोज़गार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये बताइए। पहले होटल हैं जो सामने फूलमाला बेच रहे हैं या जो भी हैं, तो सबका जो है रोज़गार होगा। आइए और लोगों जानते हैं, अब बताइए सर, चुनाव होने वाला है, कुछ समय बाकी है, क्या माहौल है यहाँ बनारस में? बनारस में तो अभी मोदी जी का ही लहर चल रहा है, मोदी और योगी जी का लहर चल रहा है, अब देखिए 10 तारीख को क्या होता है। अखिलेश यादव बोल रहे कि हम आएंगे 10 मार्च को, वो तो रिजल्ट पे आने पे ही पता चलेगा। वैसे योगी जी ने काफ़ी काम किया है यहाँ पे, देखा जाए तो हमारे बनारस में एक अंडरग्राउंड जो लाइट हुआ है मोदी जी ने कराया है, उसके बाद जो है माफियाओं का यहाँ पे बहुत कम हो गया है कि चलन माफियागिरी नहीं चल रही है। पुलिस थाने में आज देखा जाए तो उनकी बातें, लोगों की बातें सुनी जा रही है, एक बार आप कोई कंप्लेन करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। वैसे योगी जी ने काम अच्छा किया है, मुझे नहीं लगता है कि जो है अभी अखिलेश जी को आना चाहिए, अगर वो आते हैं तो फिर से माफियागिरी चालू हो जाएगा और फिर से वही गुंडाराज चालू हो जाएगा। और लोगों से हम लोग जानते हैं, आप बताइए सर। ये में चुनाव होने वाला है 7 तारीख को बनारस में भी है, क्या माहौल है यहाँ? कांटे की टक्कर तो है बस, और लेकिन इस बार भाजपा की हालत ठीक नहीं है।
हमने खुद सर्वे किया जैसे आप लोग कर रहे वैसे मैंने भी किया, लेकिन लोग पसंद तो कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पसंद आपको अखिलेश को कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को। इस बार अगर बीजेपी अगर यहाँ से सीट निकालती भी तो अंतर नहीं जाएगा, बहुत कम अंतर से निकालेगी या तो हारने की भी संभावना है। जैसे बनारस में 8 विधानसभा की सीटें हैं तो किसको कितना मिलेगी इस बार, क्या लग रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी को तो 3 या 4 सीट मिल जाएगी, 4 सीट मिल जाएगी। आप पत्रकार हैं? मतलब जर्नलिस्ट हैं? नहीं नहीं, हम लोग जर्नलिस्ट नहीं जी, लेकिन हम लोगों ने किया है सर्वे, हमको तो अंदर की रिपोर्ट मालूम है कौन किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ये और लोगों से हम लोग जानते हैं, बताइए सर चुनाव है किसका माहौल है इस बार? भाई आप सबको तो अखिलेश है, लेकिन हम तो यहाँ अभी मोदी है, क्या अभी तक है मोदी क्योंकि हम लोग खाना पीना बच्चों को स्कूल में फ्री में, अभी हम ऑपरेशन कराए 5 लाख रुपया का तो आयुष्मान से, अखिलेश ने आज तक क्या दिया आपको, इसका 10 साल रहे बाप रहे बेटे रहे, एक पुल नहीं बनवा सके रामनगर वाला, मोदी तो कम से कम विकास तो कर रहे हैं। आपका आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है? हाँ हाँ, आयुष्मान भारत कार्ड बना, ऑपरेशन कराया अभी थोड़ा कैंसर हो क्या हुआ था आपको? कैंसर हो गया पाल खाने से, जो भला कर रहा है तो उसको मैं तो ये तो 5 साल बाप रहे 5 साल ये रहे, क्या दिए हम लोग को, कुछ दिए नहीं, जो भी लेपटॉप थोड़ा बांटे सब उन्हीं लोग का, हालांकि हम मेरी भी यादव हूँ। अच्छा यादव जी? हाँ ये दुकान मेरी भी है, लेकिन मैं उनको नहीं पसंद करता। तो मतलब जो बोलते हैं कि यादव जी लोग जो हैं सीधा समाजवादी पार्टी को ही वोट करते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, जनता सब तो एक ही है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है हमारी विचारधारा अलग है। मैं समाज को मानता हूँ, बिरादरी से नहीं मतलब। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे फ्री साल भर खाते फ्री करेंगे कि एक दिन के, एक महीने के, ये तो नहीं बोले ना। 5-4 करोड़ आदमी, 4 लाख आदमी की नौकरी देंगे तो किसको देंगे, ये तो नहीं बताएंगे, हिंदू को देंगे मुसलमान को देंगे, इससे उस समय जातिवाद वाला किया है, मुसलमान है यादव खाली, तो ये अलग चीज़ है। अरे हम बोल देखिए वो नहीं बोलेंगे छोड़ लो। चुनाव होने हैं 7 तारीख को बनारस में, है क्या माहौल है बनारस में इस बार? बनारस में माहौल बड़ा शांत है, लहरें शांत हैं एकदम, है ना, क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ कॉस्मेटिक विकास हुआ है, और आप जानते ही होंगे विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसका संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया है, है अमेरिका की ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसका संचालन उसी को दे दिया गया है, तो एक नई शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से बनारस से लॉन्च मोदी जी कर रहे हैं। किसका माहौल है? माहौल जनता का है। हाँ जनता किसके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ कि कांग्रेस के साथ? हमको लगता है कि मिलीजुली सरकार है, कुछ इधर है कुछ इधर हैं, लहरें हैं ना, उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ बहती है ना। अभी ये काम अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा तो है ही, कॉस्मेटिक विकास किसको अच्छा नहीं लगता है, अरे लिपस्टिक विपस्टिक लगाइए, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाइए, अच्छा ही लगेगा ना। हाँ और लोगों से जानते हैं, बताइए सर चुनाव है बनारस में क्या माहौल है? बनारस का माहौल ठीक चल रहा है। हाँ इसका है इसका सभी के लोग अपना अपना दाव अजमा रहे हैं, वो तो आगे आगे मेरा समय ही बताएगा। किसको चाह रहे हैं आप लोग, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो सभी अच्छे लग रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहा है बढ़िया ही, अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है, वो भी जिससे बढ़िया हो जो भी आएगा करेगा। अब यही कहें सर बनारस के चुनाव में माहौल तो चल ही रहा है, लेकिन अपेक्षा रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आए, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, तो यही अपेक्षा रखते हैं। समाजवादी पार्टी से कोई महंत भी खड़े हैं, दीक्षित जी खड़े हैं दक्षिणी से? हाँ 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 सुना है हमने भी, लेकिन मतलब ऐसा है कि संघीय शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ में शक्ति है, तो जहाँ पर समूह का कार्य होगा
तो व्यक्ति विशेष से ये संपूर्ण राष्ट्र नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ जन बाहुल्य की प्रधानता है। तो जब संपूर्ण देश में अर्थात केंद्र और राज्य दोनों में जब समान सत्ता होगी तो उसका विशेष लाभ मिलेगा सभी को। ब्राह्मण नाराज नहीं है बीजेपी से? नहीं, क्यों नाराज होंगे, हमारे पक्ष में तो नहीं है, हमारे अनुसार तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए विश्वनाथ जी में, जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, गर्भगृह है, वहाँ पर 65 किलो सोने से कार्य हुआ है, तो अच्छी बात है, सब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। समाजवादी पार्टी से नाराज है? नहीं 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 नहीं, हम लोग सर्वभूत हित रहता की भावना रखने वाले हैं, लेकिन हम लोग समर्थन उसी का विशेष रूप से करते हैं जो राष्ट्रहित में कार्य करे, जो अपने विशेष मतलब स्वहित में जो कार्य करे उसके अपेक्षा राष्ट्रहित विशेष है, यही है। हमने बोल दिया है ना, अभी कमेंट नहीं करिए, वक्त साहब बोल जाते हैं। अरे बड़ी बात बोल रहे हैं, होने वाला किसका माहौल है, योगी का कि मोदी का कि अखिलेश का? अरे हम क्या माहौल है, बेरोजगारी विकास का माहौल है, दोनों माहौल है, अब देखिए क्या होता है। भाई बेरोजगारी से भी लोग तरसते हैं, विकास हो रहा है, अब आप नापिए किस पर पलड़ा भारी है। अखिलेश का चेहरा अच्छा है कि योगी जी का? चेहरे पे क्या करना है, हमको काम देखा जाता है कि चेहरा देखा जाता है? हम देख के ही तो चेहरा देखेंगे। नहीं नहीं, चेहरा कोई नहीं देखता है, काम देखा जाता है। इसका काम अच्छा लग रहा है, इसका काम सही लगा अखिलेश का कि योगी? अब जो काम कर रहा है वो सामने, अब दूसरा काम करेगा तब ना हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। अखिलेश करके गए हैं, योगी कर रहे हैं। हाँ तो 10 साल में बदल भी जाती है बहुत सी चीज़ें। आप बताइए सर। हाँ माहौल तो बड़ा गहमागहमी का है, हाँ इसमें जो है यहाँ तो उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव की नगरी काशी है, यहाँ तो ये चुनाव को भी उत्सव की तरह मनाते हैं लोग, और बड़ी उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए और फिर से अपनी सरकार चुनने के लिए। अब यह तो अच्छा नहीं होगा कि खुल के बताया जाए, लेकिन जो उत्साह है वो देखने से स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार जो है फिर से नए कलेवर के साथ आ रही है। यही इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विनय मिश्रा वाराणसी से आपको सबको धन्यवाद देता हूँ, और सभी काशीवासियों से आग्रह करता हूँ कि ज़रूर मतदान करें, मतदान ज़रूर करें, अपना वोट बेकार न जाने दें, बस धन्यवाद। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, प्रियंका 3 सिलेंडर फ्री दे रही हैं। ये सब राजनीति की बातें हैं भाई, प्रलोभन तो मिलता है जब चुनाव आता है, हर पार्टी द्वारा कुछ न कुछ प्रलोभन मिलता है, हाँ तो प्रलोभन करने देख करके अपने लिए जो हितकर हो, ये मतदान है, अपने मत का प्रयोग करना है, तो कहाँ करें, जहाँ की आगे के लिए भविष्य अच्छा हो, इसको देखते हुए लोग हमारा यही अपील है कि मतदान किया जाए, कोई वोट बेकार न जाए। आप बताइए सर, बनारस से हैं? जी बोलिए। अभी जो चुनाव है बनारस में किसका माहौल लग रहा है? वही योगी जी का जी, हम लोग उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों योगी जी को क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि उनके आने के बाद से बहुत सी व्यवस्था सही हो गई है बनारस में, बहुत सारी व्यवस्था सही हो गई है, हम लोग उनकी व्यवस्था से बहुत खुश हैं। विपक्ष तो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जरूर जो भी बढ़ा है लेकिन उसके साथ व्यवस्था भी तो मिला है बहुत सारा, पहले कहाँ था किसी के साथ। माहौल तो ठीक है, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है। इसका माहौल है योगी जी का कि अखिलेश? देखिए फाइट तो है, अब यूपी का पूछ रहे हैं कि मतलब बनारस का पूछ रहे हैं, बनारस में तो ये तो सपा का गढ़ है, ये यहाँ तो सौरभ श्रीवास्तव ही ले जाएंगे, सपा का गढ़ है ये, अरे भाजपा का, भाजपा का गढ़ है। अच्छा मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं आप? अखिलेश यादव। हाँ विधायक सौरभ श्रीवास्तव? हाँ क्योंकि देखिए सपा भाजपा का गढ़ है तो यहाँ तो ऑब्वियसली तो भाजपा ही ले जाएगी, हाँ लेकिन फाइट बहुत काटेगी है। यही कि गुंडा राज ख़त्म हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडा राज ख़त्म हो गया, आए दिन जो लोगों के जमीन हड़प लेते थे, मकान कब्जा कर लेते थे, वो सब ख़त्म हो गया। फिर आप एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे, भाजपा के शासन में आने के बाद ये हुआ कि एक्सटॉर्शन मनी गुंडा राज सब ख़त्म हो गया,
और मैं तो यही चाहूँगा कि अगले अपकमिंग जो 50 साल आने वाला है उसमें भी भाजपा ही आए, कि अखंड भारत अगर हमें चाहिए तो भाजपा का रहना जरूरी है अखंड भारत के लिए। अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगे? अखिलेश यादव को मौका मिला तो अखिलेश यादव सिर्फ खाली दंगा किया उन्होंने, दंगा करवाया उन्होंने। आप उनके कितने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आप सबको देखिए, सब लोग वही हैं, किसी में वो दम नहीं। जो भाजपा ने कर दिखाया, जो कहा उसने किया। राम मंदिर बोला कि राम मंदिर हम बनाएंगे, बनाया उन्होंने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे काम किया, अच्छा किया, मथुरा में काम कर ही रहे हैं। तो भाजपा में बीजेपी का तो गढ़ है बनारस, और यहाँ से तो हम लोग सभी सीटें भाजपा को जाएंगी, और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, भगवे का अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो उनको अपनी संस्कृति समझनी चाहिए, ये तो उन्हें अपनी संस्कृति समझनी चाहिए कि भगवा रंग कितना मान्य है हिंदू धर्म के लिए। अब वो मैं बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, और ये उनके पर्सनल क्या है हम नहीं जानते उनका। बुरा नहीं लगता है? बुरा तो बहुत लगता है कि मतलब कि एक तरह से आप इंडिया में रह रहे हो, आप भगवा रंग का मतलब कि एक तरह से उसके बारे में गलत कह रहे हो, तो ये तो खराब लगता ही है। बीजेपी को जाना चाहिए। क्यों बीजेपी को आना चाहिए? बीजेपी ने जो कुछ काम किया दूसरी पार्टी ने नहीं किया, काम किया भी किया, लेकिन जो किया कायदे काम किया। अखिलेश यादव बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, प्रियंका बोले सिलेंडर फ्री देंगे, फ्री देने की बात तो कल हर पार्टी में लोग झूठ बोलते हैं कि कितना कौन तय करता है, ये कहने की बात है। 300 यूनिट बिजली वो कह रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जब तक अभी तक उत्तर प्रदेश में 2014 से 2017 से पहले अखिलेश यादव का राज था, अखिलेश यादव यहाँ के सीएम थे, उन्होंने क्या दिया उत्तर प्रदेश में? बिजली के नाम पे खाली 6 घंटे बिजली आती थी, बिजली रहती ही नहीं थी, और वो 300 यूनिट बिजली क्या देंगे? 300 यूनिट बिजली जब बिजली आएगी नहीं तो बिजली देंगे कहाँ से? बताइए सर, आप बताइए, चुनाव है, किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो सभी का चल रहा है, सब लोग अपना अपना बता रहा है। अब देखिए, अब 10 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा क्या होना है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं, अखिलेश को कि योगी को? अब आप कैसे बता रहे मुख्यमंत्री? आइए, और लोग नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव का काम अच्छा है कि योगी का? हमको भाई देखे जब फोन आ गया मेरा, फोन आ गया। ये जो इस समय हम खड़े हैं बनारस के कौन सा जगह, ये 80 घाट के पास में खड़े हैं। काम देखे अगर मानिए हकीकत तो उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव जी का पूरी कार्यक्रम उन्हीं का देन है, ये चीज़ आप गौर करिएगा। क्योंकि वो 5 साल थे, लेकिन वो 5 साल में 3 साल मोदी जी भी 2 साल पहले थे प्रधानमंत्री, बिना उनके आदेश से उत्तर प्रदेश में कुछ होता नहीं था। और गंगा के विसर्जन, जब गणेश जी का विसर्जन हुआ वहीं से सत्यानाश होने लगा। गंगा में विसर्जन होती थी, ऊपर से आदेश हुआ मुख्यमंत्री जी को कि साधु संत जो रोक रहा है उस पर डंडा लाठी बरसाया जाए, तो धर्म को कहीं से रक्षा भी कर रहे हैं तो कहीं से नष्ट भी कर रहे हैं। तो धर्म इतनी चीज़ें होती है, ये लोग क्या जाने, जिनकी वोटर हैं उनसे आप पूछिए। और इनके हमारे प्रधानमंत्री जी या योगी जी गरीबों पर ध्यान दे और महंगाई पर ध्यान दे, बेरोजगार है उस पर ध्यान दे, देखिए वो कभी उनको कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने इस पर कैच नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता है वो क्षेत्र में देते हैं तो अपने रिश्तेदार पटीदार रिश्तेदार को रिश्तेदार खोजते हैं कि जो लाभ है हम अपने रिश्तेदार में बांट दें। तो उसमें न मोदी गलती है गलत है और न इनका योगी जी का गलती है, ये उनका क्षेत्रीय लोग जो कार्यकर्ता है उनकी गलती है। मोदी जी यूपी के लिए पैसा काफ़ी दिए हैं ये बात नहीं है, लेकिन नीचे वाले सब खा गए, कुछ नमक हराम है, मोदी जी कुछ दिए ये लोग खा गए। मोदी जी या योगी जी जो दे रहे हैं
तू अपना खुद मोदी जी बन जा रहा है, योगी जी बन जा रहा है। मैं खुद विकलांग हूँ, मैं विकलांग हूँ, मैं DLW में मोदी जी जब आए थे गाड़ी बांटने के लिए, मैं वहाँ गया था। यहीं के क्षेत्रीय लोग कार दूसरे को अपने रिश्तेदार पटीदार को दे रहे थे, हमको नहीं दिए। तब कैसे मान ले कि मोदी गलत है? मोदी नहीं ना कहा कि अपने रिश्तेदार को दो, पटीदार को दो, उधर ही दिए ना कि भाई विकलांग जो हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, उसको दो। नहीं मिला, क्योंकि ये लोग खुद ही खा पी गए। ये बात तो सोचना चाहिए। कहीं देखिए, हमारे देश को प्रधानमंत्री जरूर है, योगी जी भी हमारे मुख्यमंत्री, योगी जी हमको सम्मान किए हैं, ये बात नहीं, इलाहाबाद में लाकर सम्मान किए हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग को जलन भावना होता है। हमको योगी जी गंगा के नाम से वन विभाग द्वारा इलाहाबाद में जिस समय कुंभ लगा रहा पूरा इलाहाबाद को बढ़िया बना था, उसी साल के पहले अप्रैल में 7 अप्रैल को हम लोग को इलाहाबाद सम्मान किए हैं। बनारस के 11 आदमी को योगी जी सम्मान किए हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो भी इसको करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ के पंडित जी से या जो धोती वाले कुर्ता वाले पूछ रहे, गलत पूछ रहे हैं, ये लोग यहाँ के नहीं हैं, एकदम इस पर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो भी जो पूछ रहे थे उनसे क्या फ़ायदा है, जिनकी वोटर में नाम है, जो यहाँ के बसिंदा है, उनसे पूछिए, वो आपको सही बताएंगे। इनको क्या पता है? आप जो भी काम करें, हमारे कोई भी यूपी के अखिलेश जी भी कोई ख़राब काम नहीं किए हैं, ये बात नहीं है। अखिलेश जी भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, कन्याधन विद्याधन वो भी देते थे, ऐसी बात नहीं है। आज जो भी गरीबी इतनी लोग झेल रहे हैं, बेरोजगारी हो गया है, इस पे अगर आज भी मोदी जी या योगी जी पर ध्यान दे, कभी कोई हटा नहीं सकता है। इसको लाएंगे आप? अब जाइए देखिए, ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा, 10 तारीख को पता आएगा लगेगा कि मेरी क्या गलती है और अखिलेश जी का क्या गलती है और योगी जी की क्या गलती है। अच्छा, योगी जी सम्मान किए तो गाड़ी आपको मिला कि नहीं? बात नहीं मिला, वो तो हमको साल देकर सम्मान किए थे। मोदी जी या DLW आए थे, उन्होंने गाड़ी के लिए कहा था, हम साफ कर रहे हैं, जब यहाँ लोकल लोग दिया गया, क्षेत्रीय लोग को कि जो विकलांग हो, पुरनिया हो, उनको देने के लिए, तो लोग अपना रिश्तेदारी बटोरने लगे, ये गलत बात है। तो हम कहाँ से मोदी जी को गलती समझे या कहाँ मैं योगी जी को गलती समझे? क्षेत्रीय लोग गलत काम करते हैं, ये चीज होना चाहिए और कुछ नहीं। हमारे ये उद्देश्य है, भगवान करे इनका बुद्धि सही हो जाए, ये गरीबों पर ध्यान दे, गरीबों और रोजगार पर ध्यान दे, लेकिन अपने आप राजा बने रहेंगे, ये चीज़ मैं जानता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।